ये गैंग वॉर का तो डेंजर विषय है डैनी का, क्या करूं मैं इन लोगों का, अभी तक तो बंदूकें भी नहीं है एक्चुअली, लिमिट से ज्यादा है श्रीमान, किसी को बुरा लगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, पर लिमिट से ज्यादा हो रहा है रे ये, यानी हमारा सर्वर है ना वो प्यार के लिए जाना जाता है रे, अभी मुझे तो ऐसे सिचुएशन रहेंगे तो मुझे लगता है कि गैंग वॉर के लिए फिर जाना जाएगा सर्वर। नहीं और सर्वर में नए नए बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रीमर्स वगैरह जुड़ रहे हैं, तो निखिल ने जो डिसीजन लिया है ना परमानेंट बैन का, वो थोड़ा सा हार्श लग रहा होगा आपको गाइस, लेकिन कभी कभी कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं। क्या पता है क्या कि आपके घर में आपका बेटा जो है ना वो खून करता जा रहा है, खून करता जा रहा है, मर्डर डालता जा रहा है, तो आपका बेटा है वो, इसलिए आप उसको जिंदा ही रखोगे तो वो ना जाने कितने माओं के बेटों को खत्म कर देगा। इसके ऊपर एक ही ऑप्शन रहता है, अपने बेटे को जहर पिला के खत्म कर दो, टॉपिक क्लोज। मतलब दर्द तो होगा क्योंकि अपना बेटा चला गया, लेकिन कितने सारे माओ के बेटे बच जाएंगे ना। एक क्या एड़ी चली की आरपी चल रही है ये, अर्थ ही ना आरपी चल रही है गाइस। मतलब इसको बैन किया है ना तो मुझे बुरा नहीं लग रहा इतना, बट इस चीज के लिए बुरा लग रहा है कि चार्ली अपना बंदा है। डैनी को बैन किया है तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चार्ली अपना बंदा है, तो मैं ये चाहूंगा टीएलआरपी वालों से कि उसको डैनी इस आरपी कैरेक्टर को बैन करो, आप उसको दूसरे कैरेक्टर से खेलने दो जो कि ऐसा टॉक्सिक नहीं होगा, कुछ अलग रहेगा, वो चलेगा मुझे, लेकिन इस कैरेक्टर को बैन करना है तो फिर वो कैरेक्टर को ही बैन। गरुड़ा जी आपको क्या लगता है? बोलना चाहता हूं मुपसा जी, आप मेरे पे भड़कोगे ये बोलने के बाद। हाँ। तो सबको नियम सब लागू करो, आप समझे, सबको सेम नियम लागू करो फिर आप। उस दिन भी मेरा इसके ऊपर ही मैटर हुआ था जो मैं अभी भाई को बोला था, और मेरे को एक ही बंदे की वजह से मुझे हर टाइम वो जो अपना ग्रुप में बातचीत होती है उस पे बोला जाता है। ये बात आपको मालूम नहीं होगा, लोग बहुत ज्यादा मैसेज करते हैं इसको ये न्याय क्यों, उसको वो न्याय क्यों, तो आप एक ही करो, सबको सेम न्याय रखो। अरे करण अभी रूटर चालू हुआ है, टीएलआरपी एक्सक्लूसिव चीज। अरे मुपसा जी आई से रूटर हो गया तो ठीक है, आपके साथ खेलेंगे वापस से, कुछ बड़ी बात नहीं है। मुझे एक बात बोलो, अभी डैनी को बैन मिला, ये पूरी अक्का गुच्छा गायब हो गया फूल का, ये क्या चीज है भाई? अच्छा सब निकल गए क्या, कोई नहीं आया आज? बराबर श्रीमान, ये क्या है? ये कितना यानी कितने लेवल तक बराबर ये चीज, ये क्या बड़ी बात हो गई? डैनी को बैन मिला तो कौन कौन निकला है? पक्का पक्की खबर है? नहीं निकले, निखिल को मालूम है, निखिल को कुछ मुझे बताओ, अगर वो निकले ना तो कितने भी लोगों, 25 लोगों, 25 पे 25 लोगों को परमानेंट बैन टीएलआरपी पे, पुन्हा त्यांची तोंड बघणार नाही टीएलआरपी कधीच नाही, कोणी पण असो। अगर डैनी को बैन मिला है उसकी वजह से अगर बाकी लोग निकले होंगे तो तुम डैनी आ जाएगा, वो तो डैनी हमारा बंदा है, वो तो आ जाएगा, तुम आयुष्य भर के लिए निकल जाओगे दूसरे सर्वर पे। वो किसी को समझ में नहीं आ रहा है यार श्रीमान, लास्ट टाइम भी मैंने ना चेतन ने जब ऐसा किया था ना, चेतन के साथ जितने भी बंदे थे उनको मैंने बोला था यही चीज, अरे वो चेतन है ना वो उसकी और अपनी दोस्ती अलग है, वो कैसे भी करके आएगा फिर तुम लोगों का क्या? वो डैनी के साथ बाकी जितने लोग होते हैं सब गायब हो गए क्या? वो अभी तक देखा नहीं मैंने, देखना पड़ेगा, बट वो पूछता हूँ मैं, शायद से नहीं आया कोई भी। उन लोगों का एक स्ट्रीम भी हुआ है रॉकेट का, उसमें तो जो आपने स्ट्रीम देखी ना उनके हिसाब से टॉक्सिसिटी नहीं है, वो भी देखना है सही तो नहीं रॉकेट। और हाँ वो लोग पीछे क्या है तो आपके हिसाब से टॉक्सिसिटी नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन दिक्कत क्या पता है क्या, वो दूसरे के हिसाब से टॉक्सिसिटी है। आप जो भाईगिरी वगैरह कर रहे हो कर सकते हो, आपको ना नहीं बोल रहे, लेकिन ऐसे लोगों से करिए भाईगिरी जो उस चीज को उस तरीके से ले जो आपको काउंटर आरपी ठीक से दे। बराबर, अभी आप एक नॉर्मल इंसान को, सादे सुधे इंसान को, वो आप देखो आपकी लैंग्वेज क्या है सब लोगों की, और रमन पाजी आपको इन रिटर्न कैसे बात कर रहे हैं आपसे, आपको ऐसे व्यक्ति से इस तरीके से बात करनी ही नहीं चाहिए। आप जरा सोचो ना कि आप किससे झगड़ा कर रहे हो, किससे झगड़ा करना चाहिए, मैटर करना चाहिए, ये मत कीजिए आप, ये गलत हो जाएगा ना। आप जरा नॉर्मल रहोगे तो क्या है? अभी देखो आप भी तो मेरे मतलब पापा फैमिली के मेंबर में ये लोग आते हैं, अभी कुछ मैटर हुआ तो आप भी भागते हो मेरे लिए, भागते हो नहीं ऐसे नहीं है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी गलती करते रहोगे तो फिर मैं आपको पदर के पीछे लेके रखूंगा, ऐसा नहीं। आप जहाँ पे आप गलत हो वहाँ पे आप गलत हो, तो ये जरा ध्यान दीजिए। भाई आज कोई नहीं आया उनमें से, एक भी पर्सन नहीं है जो उन लोग का पूरा गैंग है ना। हाँ उनमें से ठीक है, नहीं आना है तो ठीक है, बट अभी देखते हैं कल परसों, अगर नहीं आया तो जो जो लोग हैं ना जो डैनी के साथ आरपी करते हैं और वो नहीं आए होंगे तो उनको टीएलआरपी से बैन कर दो, माला घंटा फर्क पड़ता है बाबा। तुम जो डरते हो ना निखिल कि ये सर्वर छोड़ के गया, ये बड़ा स्ट्रीमर छोड़ के गया, तो सर्वर की बंद, माला सर्वर में आता है एक क्षण शटडाउन करून बसू शकतो, मला काही फरक नाही पडत बाबा। मी खूप साईकी मला काही फरक पडत, मी माया का विचित्र माणूस नाही, मी जिंदगीत ऐसे ऐसे निर्णय लिया हूं ना, तो ये तुच्छे निर्णय है मेरे लिए, सर्वर विरवर बंद करना है मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। ये सर्वर टॉप पे भी रहेगा ना एकदम हाईफाई, 200-400-800 लोग रहेंगे ना रोज खेल रहे हैं, मैं डायरेक्ट बंद कर दूंगा सर्वर। लेकिन तुम लोगों का सबका व्यवस्थित चल रहा है, तुम काम कर रहे हो इसलिए मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, तुम लोगों के बीच में मैं आता नहीं हूँ, मेरे नाम को कुछ खराबी नहीं होगी कोई भी सर्वर बंद पड़ने से, कभी नहीं हो सकती। इससे पहले भी बंद पड़े सर्वर, इससे पहले हम कितने सर्वर में गए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इतना ज्यादा भयानक टॉक्सिक वातावरण रहेगा तो कैसे चलेगा? Thank you.
Woo!